हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट का एडमिशन फॉर्म हम किसमें बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है कैंडिडेट एडमिशन फॉर्म पहले में, फिर लिखना है यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर लिखना है एडमिशन नंबर, फिर लिखना है यहाँ पर एडमिशन डेट, फिर लिखना है यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर यहाँ लिखना है फादर्स नेम, फिर उसका एड्रेस, फिर कॉन्टैक्ट, फिर क्लास, फिर सेक्शन, फिर रोल नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, रिलीजन, एडमिशन फी, मंथ ऑफ फी, कैश और बैलेंस है इसकी तरफ किस में दे रहे हैं, और फिर यहाँ लिख रहे हैं मंथ फी अमाउंट, और फिर यहाँ पे ले लिया हमने एडमिशन प्लस मंथली फी अमाउंट। ठीक, अब इसको हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके इन सारे कॉलम्स के ऊपर रख के मर्ज एंड सेंटर करेंगे। आगे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, सिर्फ इसके ऊपर रखना है जो लास्ट कॉलम है, और उसको करेंगे यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। सेल साइज में जाके इसको करेंगे हम टाइटल में कन्वर्ट, और उसको करेंगे यहाँ से बोल्ड, और फॉन्ट साइज को यहाँ से बढ़ा देंगे, और यहाँ से इसको इस तरीके से ऊपर नीचे टॉप बॉटम और सेंटर यहाँ से इसको सेट कर देंगे। फॉन्ट को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोई थिक फॉन्ट यूज कर लें यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया कैंडिडेट एडमिशन फॉर्म। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं नीचे वाले हिस्से के लिए। क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसको हेडिंग वन में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करेंगे, फॉन्ट साइज को कम करके 14 पे रखेंगे, और फॉन्ट को यहाँ से हम सेट कर लेते हैं दोबारा से एरियल के ऊपर। अब क्या करेंगे, एरियल पे करने के बाद अब हमें इसको क्या करना है, एक और काम। तो ये लेफ्ट राइट सेंटर तो हो गया, यहाँ पे एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट का फीचर कब काम करेगा, जब एक कॉलम में एक से ज्यादा वर्ड हैं, दो वर्ड तीन वर्ड हैं, और उसकी चौड़ाई कम है, हम आगे नहीं जाना चाह रहे, नीचे जाना चाह रहे हैं, तो जैसे ही रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये देखें ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें, सही है, समझ में आ गया। लेकिन ये जब काम करेगा, जब कॉलम की चौड़ाई कम है। तो यहाँ पे इसको ऑटो एडजस्ट करेंगे, एडमिशन नंबर को भी इस तरह एडजस्ट कर देंगे, एडमिशन डेट को भी ऐसे एडजस्ट कर देंगे, स्टूडेंट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट को थोड़ा बड़ा करेंगे, फादर्स नेम को भी थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि ये बड़े होते हैं नाम, और उसके बाद एड्रेस को थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि इसमें एड्रेस लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या है कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा पूरा ही कर देंगे इसको, तो क्लास को भी पूरा ही कर देंगे, सेक्शन को भी पूरा ही कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर रोल नंबर इस तरह से, ठीक है, रोल नंबर को थोड़ा बड़ा कर लें ताकि रोल नंबर लिखा जाएगा इसके अंदर, डेटा आएगा तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब आगे चलते हैं जेंडर के ऊपर। डेट ऑफ बर्थ के लिए ठीक है, इतना ही है, डेट ऑफ बर्थ इतना काफी, ज्यादा चौड़ा हो गया कॉलम, इतना काफी है। जेंडर को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, रिलीजन को थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि इसके अंदर लिखा जाएगा रिलीजन, एडमिशन फी को थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देंगे, एडमिशन ऊपर फी नीचे आ जाए, मंथ तो फी सही है, कौन से मंथ की फीस आ रही है उसको पीछे ही कर दें थोड़ा सा इस तरह से नजर आए, और उसके बाद कैश बैलेंस या फिर मंथली फी अमाउंट जो है यहाँ दिया, एडमिशन प्लस मंथली फीस को थोड़ा कम कर लेंगे ताकि ये इस तरह से नजर आए। बंद हो गया तेरा, ये लो। ठीक है, तो ये इसको एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको यहाँ पे, और इसको करेंगे ऑल बॉर्डर्स थिक बॉक्स बॉर्डर, और यहाँ से जाके इसको थिक बॉक्स बॉर्डर कर देंगे ताकि इसके बाउंड्रीज पे भी बॉर्डर आ जाए और ये सही तरह से एडजस्ट हो जाए। अच्छा, क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे बॉर्डर्स पे, तो यहाँ से हम करेंगे नो बॉर्डर, तो ये बॉर्डर खत्म हो गए, और यहाँ से क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर, तो ये वो बॉर्डर है जो प्रिंटिंग में भी आएंगे, और थोड़े मोटे वाले बॉर्डर देंगे तो यहाँ से थिक बॉक्स बॉर्डर ताकि बाउंड्री पे मोटे बॉर्डर नजर आ जाए। सेलेक्ट करेंगे यहाँ से जितने हिस्से में हमें काम करना है, जितने एडमिशन्स वगैरह के लिए, उतने हिस्से को हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उसको भी यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर्स और थिक बॉक्स बॉर्डर यहाँ से अप्लाई करेंगे। यहाँ से फॉन्ट साइज को हम एरियल ले लेते हैं ताकि इसमें डेटा डालने में हमें आसानी हो। अब एक स्टूडेंट का डेटा डाल के देखते हैं, और फॉन्ट साइज को बढ़ा के 12 से 13 पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ से इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं फाइल को, मोर ऑप्शंस में जाके ब्राउज करेंगे कहाँ सेव करनी है, वहाँ पे हम सेव कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स में गया मैं, एक्सेल फाइल्स के फोल्डर में गया, और यहाँ जाके मैंने इसको सेव किया कैंडिडेट एडमिशन डिटेल्स एडमिशन इन्फो। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने सेव कर दी फाइल। अब कैसे एंटर होगा इसके अंदर, जैसे हमने डाला यहाँ पे सीरियल नंबर 1, तो अब हमें यहाँ पे सीक्वेंस में नंबर चाहिए, तो इसका तरीका ये है कि 1, 2, 3 नंबर लिख के, तीनों नंबर लिख के तीनों को इस तरह सेलेक्ट करें। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कर्सर जो है किस तरह का, ये नोट कर लें। देखें, जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये कर्सर बीच में होना चाहिए, और ये बड़ा वाला 3D प्लस आना चाहिए। जब इस तरह से सेलेक्ट कर लें तो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे, तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे, तो पहला वाला आपको सेलेक्ट का जो इस रंग है वो व्हाइट होगा, ग्रे नहीं होगा, लेकिन ये सिलेक्ट है, ये पूरा बना रहा है। अब इस सिलेक्शन के इस साइड पर आएंगे तो यहाँ पे ये ब्लैक वाला पॉइंट मिलेगा, इसको हम कहते हैं ड्रैग। ये कब आएगा, जब इस ब्लैक वाले पे आप लेकर आएंगे, ये किसी भी चीज को ड्रैग करने के काम में आएगा, क्लिक करेंगे पकड़ेंगे और उसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑटो नंबर जनरेट करेगा,
तो ये यहाँ पे इस तरह से नंबर जनरेट करके दे देगा। इसको देखें, लेफ्ट राइट सेंटर कर दें। एडमिशन नंबर हम अपने हिसाब से डाल देते हैं, जैसे 101 से शुरू किया, 1002 डाला, 1003। अब इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे देखें ये पकड़ा और इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे, अगले नंबर ये खुद ही जनरेट कर देगा। ये देखें हमने इसको यहाँ पे इस तरह से कर दिया, और इसके डेटा को भी सेंटर करने के लिए हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे एडमिशन डेट। अब जो जो एडमिशन होते जा रहे हैं स्टूडेंट की, वो हम इसमें डेटा पुटअप करते जाएंगे कंट्रोल एस से। सपोज टू बी आज फर्स्ट डेट को एक एग्जाम्पल एडमिशन हुआ, तो मैंने डेट डालना आपको बताया था, मेरे तारीख फिर महीना स्लैश के साथ फिर साल, तो ये एडमिशन डेट डाल दी। अब डेट इस तरह से नजर आ रही है, मैं डेट को दूसरे स्टाइल में दिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लिया। एक तो इसका लॉन्ग फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, और एक इसका लॉन्ग फॉर्मेट है। तो यहाँ से हम लॉन्ग फॉर्मेट लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और इसको हम इस फॉर्मेट में दिखाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे इस फॉर्मेट में ओके कर देंगे। तो ये तरह इस तरह से थोड़ा फिर कॉलम की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं इसको दोबारा से इसमें ही डाल देता हूँ जैसा ये पहले था, 1/1/2024। ठीक है, इसके एडमिशन डाल दी। नेम ऑफ स्टूडेंट मैं लिख दिया मिसाल के तौर पर रौनक कुमार, और फादर्स नेम क्या है, घन श्याम दास। ठीक है, एड्रेस कर दिया हमने सवाई रोड, और यहाँ पे कांटेक्ट हमने इसका डाल दिया 03312312333। ठीक है, ये कांटेक्ट डाल दिया। अब कांटेक्ट के लिए थोड़ा सा हमें साइज थोड़ा बड़ा चाहिए होगा, क्योंकि इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा। क्लास हमने इसका एडमिशन किया सपोज टू मी 10th क्लास में। अब यहाँ 10th लिख रहे हैं, तो 10th का TH अगर छोटा दिखाना है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे इसको यहाँ से, और सेलेक्ट करके यहाँ पे चले जाएंगे, और यहाँ से इसको कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो ये आ गया यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन, और ओके करेंगे तो ये देखें ऊपर आ गया। अब मिसाल के तौर पे नीचे वाले डेटा को बार बार लिख के इसे तरह करने में टाइम लगेगा, तो जो डेटा ऊपर लिखा है वही नीचे चाहिए, तो कंट्रोल D दबाएंगे, तो जो डेटा ऊपर लिखा है वो नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसमें फिर आप F2 का बटन दबा के एडिट करें, और उसका एडमिशन 10th क्लास में करना है, 8th क्लास में करना है, वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, सेक्शन कौन सा इसका, सपोज इसका सेक्शन एक जैसे इंग्लिश सेक्शन है, उर्दू सेक्शन है, सिंधी सेक्शन है, चलिए हम इसका इंग्लिश सेक्शन लिख देते हैं। ठीक है, और रोल नंबर इसका क्या है, रोल नंबर हमने इसका बना लिया, सपोज इसका नंबर है 1241, इसका रोल नंबर आ गया। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं इसकी, 3/5/2005 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से 3/5/2005। जेंडर में हमने इसके मेल लिख दिया, रिलीजन में हमने इसका लिख दिया सपोज टू बी मुस्लिम कर देते हैं या हिंदू लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। एडमिशन फी इसकी हमने यहाँ पे सेट कर दी, 3500 है इसकी मंथली फी, इसकी 2000 है, यहाँ पे हमने लिख दिया। कैश या बैलेंस, मतलब अगर अच्छा मंथ ऑफ फी जो है इसकी, हाँ 2000 है मंथली फी अमाउंट, मंथली फी अमाउंट। अच्छा, कौन से महीने की फीस इससे ले रहे हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंथ फी में, जैसे जनवरी की ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जनवरी 24 लिख दिया आगे। ठीक है, और इसको हम कैश में ले रहे हैं, तो इससे कैश ले लिया, और कितनी मंथली फी है, कितनी इसकी 2000 यहाँ पे कर दिया। अब एडमिशन और मंथली फीस दोनों कैश में ले ली हमने इसकी, तो 3500 और ये हो गई कितनी 5500। तो ये इस तरह की एंट्री हमने यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये अब दूसरी एंट्री करनी है, वो भी इसी तरह से की जाएगी। यहाँ पे हमने एक और स्टूडेंट का एडमिशन कर दिया सपोज, अब वो 3 तारीख पहला महीना 2024 में हुआ है, उसका नाम है मोहम्मद अरमान। ठीक है, अबू का नाम राशिद अली डाल दिया हमने, और ये रहते हैं हरदासपुरा में, और ये आ गया हमारा इसका मोबाइल नंबर, हमने एक फैक्ट सा मोबाइल नंबर डाल दिया यहाँ पे 123123, और यहाँ आ गया हमारे पास, इसको भी 10th में एडमिशन दे दिया। इसका सेक्शन भी इंग्लिश है, इसका 1242 हो गया रोल नंबर, और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 4/5/2004 है, ये भी जेंडर कंट्रोल D दबा रहा हूँ, मेल आ गया। ठीक है, और इसका लिख दिया हमने इस्लाम, और यहाँ पे हमने इसकी एडमिशन फीस लिख दी, और इसकी भी ये जनवरी 24 लिख दिया आगे, और इससे भी पैसे हमने कैश लिए, और ये इसकी मंथली फीस 2000 है। टोटल हमारे पास आ गया सपोज टू बी 5500। इस तरह की एंट्री हमने इसके अंदर बनानी है, तो इसे 8-10 एंट्री करेंगे तो ये हमारा पूरा जो है एडमिशन का पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात।